हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनोद कुमार। आप मेरे साथ देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल HM एंटरप्राइजेस। आज हम रिव्यू करने वाले हैं किड्स बच्चों के लिए ये ट्रॉली बैग्स ग्यामे ब्रांड का। आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारा है, एवेंजर्स कैरेक्टर के साथ ये बैग्स हैं और दिखने में काफ़ी अच्छा है, स्पेशली फॉर बॉयज़। तो इसके बारे में आज रिव्यू करने वाले हैं, प्राइसेस, क्वालिटी, मटेरियल, साइजेस क्या क्या आते हैं देखते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करें ब्रांड की, ये ब्रांड है गैमे, जो लास्ट मैंने दो तीन वीडियो गैमे के प्रोडक्ट की मैंने रिव्यू किया होगा, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया हुआ है। कलरफुल बैग्स हैं। तो गैमे जो ब्रांड है वो बेसिकली किड्स ट्रॉली के लिए काफ़ी फेमस है। तो गैमे के पास इसका लाइसेंस है। तो मार्केट में ना किड्स ट्रॉली बहुत मिलती हैं, लोगों को लगता है कि सस्ते बैग्स हैं, मिल जाते हैं कम प्राइस में, लेकिन एक्चुअली वो लोकल बैग्स होते हैं और वो लाइसेंस के बगैर होते हैं, और विदाउट लाइसेंस जो होते हैं वो लोकल बैग्स में आते हैं। सबसे पहले कोई भी कैरेक्टर बेचने से पहले ब्रांड को लाइसेंस लेना होता है, जो कि ऑथोराइज लाइसेंस इंडिया में गैमे के पास है। आप देख सकते हैं मिकी माउस, डिज्नी, ये सारे ऑथोराइज लाइसेंस गैमे के पास है। तो गैमे इसको ऑथराइज है इस कैरेक्टर के ट्रॉली बना के बेचने के लिए इंडिया में। तो मटेरियल की बात करें, ये पॉलीकार्बोनेट है, और ये साइज़ की बात करें, बच्चों के लिए जो साइज़ है वो अलग साइज़ होते हैं। जैसे नॉर्मली लगेज में ये तीन साइज़ आते हैं, वो साइजेज इसमें नहीं है। ये जो कैबिन साइज़ है, ये भी कैबिन साइज़ है, बट वो नॉर्मली कैबिन साइज़ से थोड़ा छोटा है। इसको 19 इंच बोलते हैं, नॉर्मली कैबिन 21 इंच 20 इंच के आते हैं। ये 19 इंच का बैग है और काफ़ी कॉम्पैक्ट है, जो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। ट्रॉली की बात करें, एल्युमिनियम ट्रॉली है, काफ़ी हैवी ट्रॉली दे रखा है इसमें, मल्टी स्टेज ट्रॉली है, और साथ में इसमें लॉकिंग भी दे रखा है, बच्चे अपना बैग को लॉक कर सकते हैं अपना नंबर सेट करके। और बात करें व्हीलिंग की, 8 टायर्स व्हील दे रखा है, जो कि बैलेंसिंग काफ़ी अच्छा होने वाला है बैग का, और बहुत ही स्मूथ है चलने में, और 360 मूवमेंट तो है ही इसका। तो अंदर से हम रिव्यू करेंगे कैसा है देखेंगे। बात करेंगे इसका हैंडल की, हैंडल काफ़ी अच्छा है, और आप देख सकते हैं इसका कलर ना आपको बहुत ही ज़्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा होगा और शाइनिंग नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि इसके ऊपर एक लेमिनेशन दे रखा है। अब ये लेमिनेशन जब हट जाएगी ना, तो इसकी जो फिनिशिंग है और ही ज़्यादा निखर के आएगा। तो अभी इसकी फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो में काफ़ी अच्छा आ रहा है इसकी। तो इसके अंदर से हम फीचर देखेंगे कैसा है। पॉलीकार्बोनेट है, अनब्रेकेबल है, ब्रेक नहीं होगा, आप देख सकते हैं ये मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, अनब्रेकेबल है। और साथ में इसकी बेल्ट की बात करें, इसमें बेल्ट काफ़ी अच्छा दे रखा है गैमे की, और लाइनिंग काफ़ी अच्छी आती है, जो नॉर्मली लगेज में है ब्रांडिंग के साथ वो लाइनिंग है, और इसकी रबर जो है वो काफ़ी अच्छा है। साथ में इसका नेट पॉकेट दे रखा है एक ऊपर, जो कि पूरी विजुअल है, इधर जो भी सामान रखेंगे आपको विजुअल दिख जाएगा। और जिपर की क्वालिटी बात करें, वो काफ़ी अच्छा है, स्टील फिनिशिंग जिपर है, हैवी जिपर है इसके, और स्पेसेस है अच्छा का, अच्छा स्पेस है, और लॉकिंग भी दे रखा है आपको, जैसे बताया था, व्हीलिंग भी अच्छा है। तो इसके साइजेस और प्राइसेस के बारे में देखते हैं कैसा है। इसकी जो MRP है ये 4500 का है, आप देख सकते हैं, और इसमें जो डिस्काउंट आता है कंज्यूमर डिस्काउंट अराउंड 40%, ये 27-28 सौ के आसपास इसका प्राइसिंग आता है। और वैसे ही अगर इसका जो साइज़ दूसरा है वो 23 इंच का है, आप देख सकते हैं 23 इंचेस का है साइज़ लिखा हुआ है, और 6500 MRP है, 40% इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, या आफ्टर डिस्काउंट अराउंड 3900 कॉस्ट करेगा। साइजेस इसमें ये 19 इंच है, वो 23 इंच है, दो साइजेस आते हैं। और इसमें कैरेक्टर ट्रॉली में और भी इसमें ऑप्शंस हैं, अगर आपको ये बैग हमसे परचेज़ करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।